वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है बंगाल सरकार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि राज्य सरकार वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। सोमवार सुबह मुख्यमंत्री ने इस बारे में ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि 1 अप्रैल 1973 को बाघों के संरक्षण के लिए एक योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। मैं कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए हमारी सरकार की कोशिशें काफी फलदायी रही हैं और आज बंगाल में अच्छी संख्या में बाघ संरक्षित हैं। उल्लेखनीय है कि देश भर के जंगलों में रहने वाले बाघों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर बाघ बचाओ परियोजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। इसके अंतर्गत आरंभ में 9 बाघ अभयारण्य बनाए गए थे, आज इनकी संख्या बढ़कर 50 हो गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2006 में 1411 बाघ बचे हुए हैं, 2010 में जंगली बाघों की संख्या 1700 हो गई है, 2226 बाघ 2014 में प्राकृतिक वातावरण में थे। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना है। वैज्ञानिक, आर्थिक, सौंदर्यपरक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से भारत में बाघों की वास्तविक आबादी को बरकरार रखने के लिए तथा हमेशा के लिए लोगों की शिक्षा व मनोरंजन के हेतु राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इसके जैविक महत्व के क्षेत्रों को परिरक्षित रखने के उद्देश्य से केंद्र द्वारा प्रायोजित बाघ परियोजना वर्ष 1973 में शुरू की गई थी। बाघों का अनुमान लगाने के लिए एक वैज्ञानिक तरीका अपनाया गया। इस नए तरीके से अनुमानित 93,697 किलोमीटर क्षेत्र को बाघों के लिए संरक्षित रखा गया है। उस क्षेत्र में बाघों की संख्या अनुमानतः 1411 है। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के जंगलों में रॉयल बंगाल टाइगर नाम के विशेष प्रजाति के बाघ पाए जाते हैं, जो बेहद खूबसूरत होते हैं। इन बाघों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक हर साल सुंदरवन पहुँचते हैं। राज्य सरकार ने यहां पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कई पुख्ता व्यवस्थाएं की है, जिसमें वन विभाग और जिला पुलिस की संयुक्त पहल से एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है।